हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं महेश नुवाल, लेक्चरर कंप्यूटर, बीटीआर के सिलेबस का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है इसके सब्जेक्ट कोड 105 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी, इसके यूनिट नंबर 6 का एक जो टॉपिक है वह नेट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इसमें तीन प्रकार के नेटवर्क डिफाइन किए गए हैं, लैन, मैन और वैन। इस वीडियो को में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लैन, मैन और वैन जो तीन प्रकार के जो नेटवर्क्स हैं, देखिए सबसे पहला होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, या किसी कॉलेज के एक लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, या किसी भी हॉस्पिटल का हो सकता है, एनी काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट। इस प्रकार से इसमें जो है लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो डिफाइन किया जा सकता है। एक लिमिटेड एरिया के अंदर, एक जो इसका भौगोलिक क्षेत्र है, इसका जो ज्योग्राफिकल फिजिकली एरिया जो है इसमें ज्योग्राफिकल, वह आपका सब कम होता है। इस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है, एल फॉर लोकल, ए फॉर एरिया, एन फॉर नेटवर्क। इस प्रकार से जो है इसमें बनाया गया है। तो जो इसमें आप डायग्राम में देख रहे हैं कि चार जो कंप्यूटर इसमें सर्किल में दिखाए गए, इसका मीनिंग यही है कि इसका जो एरिया है वो सर्टेन होता है, और कुछ सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये नेटवर्क बनाया जाता है। उन सिस्टम्स में आपस में जो है डेटा को शेयर किया जा सकता है, डेटा को शेयरिंग करने के लिए, और डेटा जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जो है वो लाने और ले जाने के लिए जो है लेन जो नेटवर्क का यूज किया जाता है। लैन नेटवर्क के द्वारा जो है इंटरनेट चलाया जाता है। इंटरनेट LAN, लैन जो है इसके अंदर एक केबल आती है, जिसमें जो आप केबल के थ्रू इसमें लोकल एरिया नेटवर्क आप चला सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क मेन जो है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क डिफाइन किया गया है, मेन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क दो जो है शहरों के बीच में हो सकता है, अलग अलग सिटीज़ के बीच में जो नेटवर्क होता है उसे मेन कहते हैं। और तीसरा है वैन, जो वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि बहुत जिसकी ज्योग्राफिकल जो है स्टेप बहुत ज़्यादा होती है, उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क दो कंट्रीज़ के बीच में हो सकता है, जो है इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है ये कवर करता है, इसलिए इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब लैन, मैन और वैन तीनों के अंदर किस प्रकार से जो है क्या तुलना की कर सकते हैं, इसमें अपन सबसे पहले जो इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन इज स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, एम फॉर मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और वैन फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ये जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये नेटवर्क इसका ज्योग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो सबसे छोटा होता है। इसमें भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर को जोड़ करके रखता है, जैसे किसी एक बिल्डिंग के बीच, बिल्डिंग जो है आपका कोई भी एक बिल्डिंग है उसका जो एरिया है उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो है वह है भौगोलिक क्षेत्र इसमें जोड़ करके रख सकते हैं। मैन यह नेटवर्क एक बड़े क्षेत्र का होता है, थोड़ा इससे बड़ा होता है, लेकिन जस्ट लाइक ए सिटी टाउन, किसी भी टाउन के अंदर कोई नेटवर्क है या किसी सिटी के अंदर कोई नेटवर्क है तो उसे मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और वैन जो है यह नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, और यह एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ में जो नेटवर्क बनाया जाता है उसे वैन जो है कहा जाता है। देखिए अब इसके बाद में जो है ये नेटवर्क किस प्रकार का होगा, तो लैन एरिया नेटवर्क जनरली सामान्य तौर पर प्राइवेट नेटवर्क ही होता है, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स जैसे इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं इस प्रकार से। तो लैन इज ए प्राइवेट नेटवर्क, मेन प्राइवेट हो सकता है या पब्लिक नेटवर्क हो सकता है, दोनों में से किसी भी प्रकार का कोई भी नेटवर्क हो सकता है। और इसी प्रकार से वैन जो नेटवर्क है वह भी पब्लिक और प्राइवेट, नॉर्मली पब्लिक नेटवर्क होता है लेकिन प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है। तो अब नेटवर्क्स की इसमें डिजाइंस जो होती है डिजाइन, और इसके यह लैन के अंदर सबसे आसान होती है इसकी डिजाइन करना लैन को, क्योंकि एक छोटा एरिया होता है, इसमें नंबर ऑफ सिस्टम्स जो कंप्यूटर्स इसके अंदर कनेक्ट होंगे
वह नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, उनकी डिस्टेंस कम होती है, उनको फिजिकली आपस में जो है कनेक्ट करना होता है, तो थ्रू द लैन केबल, लैन केबल के द्वारा आप इसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है कि इस नेटवर्क को किस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा और किस प्रकार से इसको जो है बनाया जाएगा, इसके लिए आसान होता है। यही काम जो है मेट्रोपॉलियन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क दोनों के अंदर नेटवर्क को डिजाइन करना, ये जो थोड़ा सा एक टिपिकल सा टास्क होता है, इसमें थोड़ा मुश्किल काम है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। देखिए स्पीड जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि इसके अंदर जैसा कि ये अब मैंने बताया है पहले भी कि इसमें स्पीड जो है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर, तो इसमें कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट होगा, स्पीड इसकी जो है वो फास्ट होगी। मेट्रोपॉलियन एरिया नेटवर्क के अंदर चूंकि स्पीड जो है डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो स्पीड अप्रोक्सीमेटली लेन से कम होगी और वेन से लेकिन ज्यादा होगी, और वेन के अंदर यह स्पीड सबसे कम होगी। नेटवर्क के बीच में जो है ट्रैफिक जो है वो लेन के अंदर, चूंकि एरिया कम है तो ट्रैफिक भी लेन का कम होगा, मेन के अंदर जो है एरिया थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा ट्रैफिक उसको ज्यादा होगा और वेन के अंदर और भी ज्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल्स जो है वो देखिए कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल्स, एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्रकार का कोई भी संगठन है या कोई भी फैक्ट्री है, इस प्रकार के जो नेटवर्क का यूज करते हैं एक छोटे एरिया के अंदर जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, उसको लैन नेटवर्क कहा जाता है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा मेन जो है वो शहर और टाउन, कोई भी सिटीज हो सकती है, अलग अलग टाउन हो सकते हैं, इनके बीच में जो कनेक्शन है वो हो सकता है, और वेन जो है वो दो कंट्रीज के बीच में, दो सब कॉन्टिनेंट के बीच में, इस प्रकार से दो देशों या महाद्वीपों के बीच में जो है ये कहलाता है। अब लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो कहाँ जो काम में आता है, देखिए पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क या लैन नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। इसमें के अंदर जो कंप्यूटर्स काम में आते हैं, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जिस पर एक व्यक्ति समय में एक व्यक्ति ही कार्य कर सकता है, ऐसे कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। और ऐसे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, इनके डेटा को शेयर करने के लिए, डेटा टूल्स प्रोग्राम आदि को शेयर करने के लिए, एक डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसमिशन करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसमें जो है कंप्यूटर कनेक्ट जो है किया जाता है, लेकिन एक भौगोलिक क्षेत्र में छोटा कवरेज है और यह नेटवर्क प्राइवेट होता है। ये सारी चीजें हम इसमें देख चुके हैं। किसी भी ऑफिस में, बिल्डिंग में, किसी भी प्रकार का, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, बैंक है, एक छोटा ज्योग्राफिकल एरिया, एक विथ इन अ बिल्डिंग, इस प्रकार के एरिया को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, मेट्रोपॉलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलियन एरिया नेटवर्क जैसा कि नाम इसका स्पेसिफाइड है, मेट्रोपॉलियन का तात्पर्य है कि यह दो शहरों के बीच में होगा या दो टाउन्स के बीच में होगा। मेन या मेट्रोपॉलियन एरिया लैन नेटवर्क से बड़ा होता है, इसका जो है कवरेज क्षेत्र ज्यादा होता है, और यह दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ता है जो अलग अलग शहर या एक समान शहर में हो सकते हैं। कोई बड़ा सिटी है तो उसमें भी दो एंड को आपस में जोड़ने के लिए मेट्रोपॉलियन एरिया का जो है यूज किया जा सकता है। यह बड़ा इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो लेन के से ज्यादा होता है, और इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कार्य करता है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जो है वह कार्य करते हैं। मेन नेटवर्क को डिजाइन और मैनेज करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेन के बजाय थोड़ा सा इसमें मुश्किल होती है, और नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन गति की स्पीड जो है इसमें थोड़ी सी लेन से कम होती है लेकिन मेन से ज्यादा होती है, और यह जो सेटअप है यह लेन की तुलना में काफी थोड़ा महंगा होता है। तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब जिसकी फुल फॉर्म है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के जो में जो एरिया है इसका पूरा, उस एरिया के अंदर जो नेटवर्क फैला हुआ रहता है उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, जो कि भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ एक एरिया है। एक लैन नेटवर्क को दूसरे लैन नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन की लाइंस या रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का प्रयोग किया जाता है। इन जो है WWW प्राइवेट भी हो सकते हैं और नहीं भी, देखिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार के नेटवर्क जिसमें हो सकते हैं। WWW नेटवर्क में संचार माध्यम के रूप में
पीएसटी और सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है अधिक दूरी, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, या एक सिटी एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच में, या एक देश से दूसरे देश के बीच में वाइड एरिया नेटवर्क का जो है ये शेयर किया जाता है। करने से WW में त्रुटि एरर या शोर अधिक होता है, इसके अंदर नॉइज जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इसकी स्पीड जो है वो कम होती है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो ये दो देशों या महाद्वीपों के बीच में जो है इसमें ये किया जाता है। इस प्रकार से जो है ये तीनों एरिया नेटवर्क जो है काम में आते हैं, लैन, मेन और वैन। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।